नमस्कार चिल्ड्रन, चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे, डिटेक्टिव नंबर 30। सो डिटेक्टिव का मतलब होता है एक जासूस। तो बच्चे जो हैं वो काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं ऐसी कहानियों में जहां पर जासूस होते हैं, जो कि जासूसी करना पसंद करते हैं, यानी कि दूसरों से इंफॉर्मेशन निकालने का काम करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के नाम दिए गए हैं जो कि फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं। फिक्शनल का मतलब काल्पनिक कैरेक्टर्स हैं जो कि खुद डिटेक्टिव्स थे, जैसे कि नाम लिया गया है द फेमस फाइव, नैन्सी ड्रू, द बॉय शर्लॉक होम्स एंड द एनसाइक्लोपीडिया ब्राउन। ये सब वो लोग हैं जिनके अंदर एक चीज़ कॉमन है, और वो कॉमन चीज़ ये है कि ये सब के सब डिटेक्टिव हैं। तो ये जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ भी एक ऐसी बच्चे की कहानी है, एक यंग डिटेक्टिव की कहानी है जो कि हीरो है इस स्टोरी का। तो लेट्स स्टार्ट। John stood looking up and down the street. He was unhappy. His friend Billy had gone to the dentist with his mother, and John could not think of anything interesting to do just by himself. He pulled down the zipper fastener of his jacket. As he did so, his fingers touched a metal badge pinned inside the jacket, and his face brightened. On the badge was written, Detective Number 30. I will play the detective, John said to himself. I'll follow a thief. I can do that by myself. But who is there to follow? अब जॉन नामक एक बच्चे के बारे में बात कही गई है कि जॉन नामक एक बच्चा है जो कि खड़ा हुआ है सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर, और वो काफ़ी नाखुश दिख रहा है, यानी कि वो खुश बिल्कुल भी नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि इसका फ्रेंड जो था बिली, वो डेंटिस्ट के पास गया है अपनी माँ के साथ, और जॉन जो है वो ऐसी कोई चीज़ सोच नहीं पा रहा है कि वो करे जिससे उसको मज़ा आए, यानी कि बोर हो रहा है और वो काफ़ी नाखुश है। क्योंकि बच्चे जो है उनको खेल कूद करते हुए, मस्ती करते हुए उनको मज़ा आता है, लेकिन अब वो अकेला है और वो मस्ती नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसका दोस्त बिली है अपनी माँ के साथ डेंटिस्ट के पास गया हुआ है। तो वो क्या करता है, वो अपनी जैकेट का जो जिप होती है उसको खोलता है, और जब वो अंदर उसके हाथ डालता है तो उसका जो एक हाथ जो है वो एक मेटल के बैज आप जानते हैं ना, जो जैसे कि यहाँ पर हम लोग अपनी शर्ट के साइड में जो पॉकेट रहती है उसके ऊपर भी लगाते हैं, या इस तरफ लगाते हैं, जैसे कि क्लास मॉनिटर का बैज होता है, स्कूल कैप्टन, हाउस कैप्टन का बैज होता है। तो ऐसा एक बैज था जो कि मेटल का था, और जब जैसे ही उसने उस बैज को देखा तो उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। उस बैज के ऊपर लिखा था डिटेक्टिव नंबर 30। तो इसने डिसाइड किया कि मैं डिटेक्टिव का रोल अपनाऊंगा, मतलब मैं डिटेक्टिव खेलूंगा, लेकिन मैं किसी थीफ को, किसी चोर को फॉलो करूंगा और उसकी पीछा करके उसको पकड़ने की कोशिश करूंगा। लेकिन ना ही वो डिटेक्टिव था, वो तो एक काल्पनिक तौर पर उसने बैच देख के डिसाइड किया कि वो एक डिटेक्टिव बनेगा। लेकिन अब वो पीछा करे तो किसका करे, क्योंकि कोई आदमी था ही नहीं जिसका वो पीछा करे, और ऐसे किसी का पीछा करेगा थोड़ी चलेगा। जस्ट देन ही नोटिस अ कार पार्किंग बाय द साइड ऑफ द रोड एंड ही सॉ अ मैन गेटिंग आउट ऑफ द कार। नाउ दिस वाज समथिंग। अब वो खड़ा था, उसी समय उसने देखा एक कार साइड में पार्क हुई रोड के किनारे, और उसमें से एक आदमी निकला, और यही तो वो चाहता था कि कोई उसको ऐसा व्यक्ति मिले जिसका वो पीछा कर सके। द मैन वेटेड फॉर अ मोमेंट देन वॉक्ड अप द स्ट्रीट टुवर्ड्स अ स्मॉल शॉप। जॉन फॉलोड हिम एंड व्हेन द मैन एंटर्ड द शॉप जॉन वॉज क्लोजली बिहाइंड हिम। द मैन वेंट टू द कॉर्नर ऑफ द शॉप विद द टेलीफोन वॉज। जॉन बॉट अ मिल्क चॉकलेट फ्रॉम द शॉप। इफ द मैन नोटिस्ड हिम एट ऑल ही सॉ ओनली अ बॉय ईटिंग चॉकलेट एंड ही डिड नॉट नो that the same boy was following him down the street. अब वो व्यक्ति जो कि कार से निकला था, वो आदमी निकला और थोड़ी देर उसने वहीं इंतज़ार किया, और फिर वो एक स्मॉल शॉप, एक छोटी सी दुकान थी, उसकी तरफ चल पड़ा। उसका पीछा जॉन कर रहा था, उसका पीछा करते हुए जॉन भी उसी शॉप में चला गया, और जाकर उसने वहाँ पर एक मिल्क चॉकलेट खरीदी, और मिल्क चॉकलेट खरीद कर वो खाने लगा। और वो व्यक्ति जो था वो दुकान में किनारे पर पड़ा जो टेलीफोन था उसके पास चला गया, और अगर उस व्यक्ति ने जॉन को देखा होगा तो उसने सिर्फ यही सोचा होगा कि एक छोटा बच्चा है जो कि चॉकलेट लेने आया था, और उसको क्या पता कि ये वही बॉय है जो उसको फॉलो कर रहा है। यानी कि बच्चा जो है अपनी काल्पनिक कहानी में इस तरह से मशगूल हो गया है कि वो एक व्यक्ति का पीछा भी उसने करना शुरू कर दिया है। द मैन वेंट टू हिज पार्क्ड कार एंड डिड समथिंग स्ट्रेंज। ही गॉट इन, स्टार्टेड हिज इंजन, देन पुल्ड अप द हैंड ब्रेक एंड गॉट आउट, लीविंग द इंजन रनिंग। Looking about, he quickly walked up the path to Mr. Stone's big house and went around to the back of the house. अब वो व्यक्ति ने तभी वो वापस कार में आया, और उसने कुछ ऐसा किया जो कि बिल्कुल स्ट्रेंज था, जो कि बिल्कुल भी अकल्पनीय था। उसने क्या किया, उसने गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया, अंदर बैठकर गाड़ी को स्टार्ट करके उसने हैंड ब्रेक लगा दी, यानी कि गाड़ी को वहीं छोड़कर फिर वो वहाँ से निकला, गाड़ी चालू छोड़कर, और फिर वो तेज़ी से चलता हुआ मिस्टर स्टोन, वहीं पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं जिनका नाम बताया गया मिस्टर स्टोन, उनका बड़ा सा घर है, तो ये चोर, ये व्यक्ति जो था
कार से निकलकर उनके घर के पीछे की तरफ चला गया। John watched very carefully. He was afraid to follow the man, but he wanted to see. On the street, there were some big empty boxes. John tapped into one of them. Through the cracks, it was easy to see both the house and the car. He looked carefully at the license plate of the car. John जो था वो जानना चाहता था कि ये घर के पीछे जाकर क्या कर रहा है, लेकिन वो डर भी रहा था क्योंकि था तो छोटा बच्चा ना, वो डर रहा था कि उस व्यक्ति का पीछा वो कैसे करे, यानी कि ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति उसको देख ले और उसके बाद कुछ गलत हो जाए। तो ऐसे में उसने एक एम्प्टी बॉक्स, एक साइड में पड़ा था, एक खाली बॉक्सेस पड़े थे, उसने उस बॉक्सेस में वो छुप गया जाकर, और बॉक्स के अंदर जो होल थे वहाँ से वो झांक कर उस व्यक्ति को देखता रहा और उसकी कार को भी देखता रहा और उस घर को भी जिसमें वो गया था। वो बड़े ध्यान से उसने उस कार का जो लाइसेंस प्लेट था, यानी कि कार की जो नंबर प्लेट रहती है, उसको भी उसने नोटिस किया। Suddenly the front door of the house opened and a man came out, but it was not the same man who had gone in. That man had a smooth face with a big nose and he wore a hat. The man coming out had grey whiskers and wore a grey cap and was carrying a suitcase. अब जो व्यक्ति, वो बच्चा जो वहाँ से देख रहा था, उस बच्चे ने देखा कि दरवाजा जो था, गेट था उस घर का, वो खुला और उसमें से एक आदमी बाहर आया। ये वो आदमी नहीं था जो उस घर के अंदर गया था पीछे से, ये कोई और था। ये एक व्यक्ति था जिसका बड़ा नाक था, उसने एक हैट पहना हुआ था, और ये जो व्यक्ति था इसके ग्रे विस्कस, यानी इसके चेहरे से बाल, चेहरे पे बाल थे जो कि ग्रे कलर के थे, यानी कि दाढ़ी बोल सकते हैं, बाल जो चेहरे पे थे वो ग्रे कलर के थे। उसने एक ग्रे कैप भी पहनी हुई थी और उसके हाथ में एक सूटकेस भी था, यानी कि उस बच्चे ने देखा कि उस घर के पीछे तो वो व्यक्ति गया था जो कार में से निकला था, लेकिन आगे से गेट में से एक व्यक्ति और आया जो कि वो नहीं था जो उस घर में गया था। इट इज़ नॉट द सेम मैन, जॉन सेड टू हिमसेल्फ, बट जस्ट देन द मैन पास क्लोज टू हिज हाइडिंग प्लेस। जॉन लुक्ड क्लोजली एट हिम एंड ही वॉज वेरी सरप्राइज। द मैन रैन इन टू द पार्क्ड कार, जंप्ड इन, रिलीज द हैंड ब्रेक एंड ड्रॉव ऑफ। तभी उसने देखा उस बच्चे ने कि ये वो व्यक्ति तो नहीं है जो इसके अंदर गया था घर के, ये तो कोई और है। लेकिन तभी उसने देखा कि जो व्यक्ति उस जिसका वो पीछा कर रहा था वो उसके पास से गुजरा, जहाँ पे वो बच्चा छुपा हुआ था, यानी कि उस बॉक्स के अंदर वो व्यक्ति वहाँ से गुजरा। और जॉन ने उसको बड़े ध्यान से, नज़दीक से देखा और वो सरप्राइज हो गया, वो काफ़ी चकित रह गया कि ये व्यक्ति कहाँ से आ गया। तभी वो व्यक्ति दौड़ कर गया, उसने अपनी कार के अंदर दरवाज़ा खोलकर फटाफट सीट पर बैठा, हैंड ब्रेक उसने रिलीज़ की, यानी कि हैंड ब्रेक खोल दी, और फिर तेज़ी से गाड़ी को भगाता हुआ आगे चला गया। John came out of his box and looked after the car, eyes and mouth wide open. Just then there came a call. Hi John, it was Billy. John ran towards him. Listen Billy, I have... But Billy stopped him and said, Say John, I had ice cream and then I went to see the film Tarzan. What a beautiful film. That's the fourth time I have seen it. उसने देखा कि गाड़ी चली गई है, वो बॉक्स से बाहर निकला और उसने पीछे से कार को देखा जाते हुए उसकी आंखें और मुंह फटे का फटा रह गया। तभी उसको आवाज़ आई, हाय जॉन। अब एक्चुअल में इसको आवाज़ किसने लगाई? यस, इट वाज बिली, उसका दोस्त बिली, जो कि वे डेंटिस्ट के पास जाके आया, बिली था। और जॉन उसकी तरफ दौड़ा, उसने कहा, बिली सुनो मेरी बात सुनो। लेकिन बिली ने उसको रोक दिया, बोले तुम रुको। और से जॉन, उसने कहा, जॉन कहो कि तुमने एक आइसक्रीम खाई, फिर तुम पिक्चर देखने गए, कौन सी पिक्चर? टार्जन, और बहुत अच्छी फिल्म है और ये तुमने चौथी बार देखी। द बॉयज़ बिकेम इंटरेस्टेड इन द स्टोरी ऑफ द फिल्म एंड जॉन फॉरवर्ड इज ऑन स्टोरी। अब बच्चे जो थे वो उस स्टोरी में काफ़ी इंटरेस्टेड हो गए क्योंकि ये टार्जन बच्चों की मूवी थी। तो ऐसे में जॉन जो कहना चाहता था उस व्यक्ति के बारे में कि उसने ऐसा कुछ होते देखा, वो दिमाग से निकल गया और अब ये दोनों उस कहानी, उस पिक्चर की कहानी में बिजी हो गए हैं। The next morning at breakfast, John was trying to think of some way to ask Daddy for some money. He wanted to see Tarzan. अगले दिन morning में जब वो breakfast कर रहा था John अपने father के साथ, तो John ने सोचा कि मैं किसी तरीके से अपने daddy से थोड़े पैसे मांग लूँ ताकि मैं picture देख कर आऊँ। कौन सी picture? Tarzan. Tarzan picture, जो कि इन्होंने कल ही बात की थी, जो कि Billy ने कहा था कि बहुत interesting picture है, तो वो picture देखने जाना चाहते हैं। Daddy, who was reading the newspaper as he ate his breakfast, looked across at mother. Some people broke into Mr. Stone's house yesterday. The family were away. A lot of silver and jewelry were taken. They seem to have carried the things away in a suitcase. Mr. Stone is offering a reward. अब डैडी जो थे वो पेपर पढ़ रहे हैं और साथ में अपना ब्रेकफास्ट खा रहे हैं। तभी उन्होंने माँ की तरफ देखा और कहा,
कि पेपर में न्यूज आई है कि कल यस्टरडे मिस्टर स्टोन के घर में कोई व्यक्ति कुछ लोग घुस आए थे और घर पे कोई था नहीं, ये लोग बाहर थे, घर खाली था, उन लोगों ने आकर अंदर चोरी की, सिल्वर और ज्वेलरी ले गए हैं और ये सारी चीज़ें वो सूटकेस में भर के ले गए हैं। और मिस्टर स्टोन जो थे उन्होंने रिवॉर्ड यानी कि इनाम की घोषणा की है कि अगर कोई व्यक्ति उनके ये सामान को वापस ले आता है तो उसको इनाम दिया जाएगा, ऐसा मिस्टर स्टोन ने कहा है। जॉन लेड डाउन हिज स्पून, वुड द रिवॉर्ड बी बिग इनफ फॉर मी टू सी टार्ज़न डैडी। अब जॉन ने अपना चम्मच जो खा नाश्ता कर रहा था, ब्रेकफास्ट कर रहा था, उसने उत्सुक होकर उस चम्मच को नीचे छोड़ दिया और कहा, डैडी क्या इनाम इतना बड़ा होगा कि मैं टार्ज़न मूवी देख सकूँ। डोंट बी सिली सन आंसर डैडी, यू डोंट अंडरस्टैंड, मिस्टर स्टोन इज ऑफरिंग अ रिवॉर्ड टू एनी वन हु कैन हेल्प हिम फाइंड द गैंग दैट स्टोल हिज थिंग्स। तो डैडी ने कहा, पागल मत बनो बेटा, मिस्टर स्टोन उनको इनाम देंगे जो उन चोरों के बारे में उसको कुछ बताएंगे, यानी कि किसी ने उस चोर को देखा होगा, यानी उस चोर को पकड़वाने में अगर वो मदद करेगा कोई व्यक्ति तो उसको वो इनाम देंगे, वो तुमको इनाम नहीं देंगे। यस आई नो सेड जॉन, बट इट वॉजेंट अ गैंग, इट वॉज जस्ट वन मैन एंड ही हैड अ बिग नोज एंड अ हैट, वेन ही वेंट इन एंड वेन ही केम आउट ही हैड ग्रे विस्कर्स एंड अ कैप। लेकिन जॉन ने कहा, मुझे पता है ये कोई लोगों का, ये कोई चोरों का गैंग नहीं था, ये एक ही आदमी था, लेकिन जब वो अंदर गया था तो उसके बड़ी नाक थी और उसके हैट पहनी थी, लेकिन जब वो बाहर आया तो उसने विस्कर्स यानी कि चेहरे पे ग्रे कलर के बाल थे और एक कैप पहनी हुई थी। लुक हियर सन, सेड डैडी, इफ यू रियली नो एनीथिंग अबाउट दिस टेल मी। सो जॉन टोल्ड हिम अबाउट डिटेक्टिव नंबर 30 फॉलोइंग द मैन एंड हाइडिंग इन द बॉक्स एंड एवरीथिंग। अब डैडी ये बात सुन के थोड़ा घबरा गए कि बच्चे को कैसे पता है, तो डैडी ने पूछा कि बेटा अगर तुम्हें कुछ पता है तो मुझे बताओ। तो बच्चे ने, जॉन ने डिटेक्टिव नंबर 30 जो कि जॉन खुद था, अपने बारे में पिता को बताया और जो कुछ उसने किया था उस बॉक्स में छुपकर, जो कुछ देखा था उसके बारे में उसने बताया। वेल सेड डैडी, आई थिंक आई वुड बेटर कॉल द पुलिस एंड टेल देम व्हाट यू सॉ। अब डैडी कहते हैं कि मैं पुलिस को बुलाता हूँ और जो तुमने देखा वो पुलिस के सामने तुम बयान कर देना। Will I get the reward, Daddy? asked John. But his father was already on the phone. तो बच्चे ने, जॉन ने पूछा, क्या पापा मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, इनाम मिलेगा? लेकिन डैडी ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि डैडी क्या कर रहे थे, वो फोन पे बात कर रहे थे। In a very short time, a car stopped in front of the house and two big policemen came into the house. John felt a little afraid of them at first, but one of them smiled such a broad smile that John smiled back. अब बच्चे ने पिताजी से पूछा कि क्या मुझे इसके लिए रिवॉर्ड मिलेगा। वो बहुत खुश था कि उसे शायद एक पिक्चर देखने के लिए एक रिवॉर्ड मिल जाए, कुछ इनाम मिल जाए, लेकिन पिता जो थे वो ऑलरेडी फ़ोन पे बात कर रहे थे इसलिए उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। और उसी समय एक गाड़ी आकर उनके घर के बाहर रुकी और उसमें से दो हट्टे कट्टे लंबे चौड़े पुलिस वाले बाहर निकल कर इनके घर की तरफ आए। जॉन जो कि एक छोटा बच्चा था वो इन पुलिस वालों को देख के डर गया, लेकिन जब उनमें से एक पुलिस वाले ने काफ़ी लंबी चौड़ी स्माइल जॉन को दी तो जॉन ने भी स्माइल करके अपना डर जो था उसके अंदर का वो काफ़ी कम कर लिया। सो यू आर द यंग मैन हु इज़ गोइंग टू हेल्प अस कैच दिस थीफ, आर यू? आस्क्ड द पुलिसमैन, टेल अस एवरीथिंग यू सॉ। सो जॉन टोल्ड हिज स्टोरी अगेन। तो पुलिस वाले उसके पास आए जॉन के और कहने लगे, तुम यंग बच्चे, यू आर द यंग मैन, यानी कि तुम यंग बच्चे हो जो हमारी हेल्प करोगे उस चोर को पकड़ने में, हमें सारा कुछ बताओ जो तुमने उस दिन देखा था। तो जॉन ने वो पूरी कहानी जो थी, जो उसने देखा था, वो सारी कहानी जो थी वो पुलिस वालों के सामने बयान कर दी। नाउ यू डिडंट नोटिस व्हाट काइंड ऑफ कार इट वॉज, डिड यू? फिर वो पूछते हैं कि क्या तुमने नोटिस नहीं किया वो कार किस तरह की थी, क्या तुमने किया था? यस सर जॉन, जॉन ने कहा, हाँ मैंने नोटिस किया था, इट वॉज़ अ डार्क ग्रीन कार एंड इट वॉज़ वेरी मडी, आई ऑल्सो नो द लाइसेंस नंबर। जॉन ने कहा, वो डार्क ग्रीन कलर की कार थी, बहुत गंदी मैली थी एकदम, ऊपर धूल मिट्टी लगी हुई थी और उसका लाइसेंस नंबर भी मुझे पता है, यानी कि नंबर प्लेट का जो नंबर होता है वो भी मुझे पता है गाड़ी का। जॉन टुक आउट अ पीस ऑफ पेपर फ्रॉम हिज पॉकेट, द नंबर वॉज रिटन ऑन इट B131466। जॉन ने अपनी जेब से एक पेपर निकाला और उस पेपर के ऊपर नंबर लिखा हुआ था B131466। इट विल बी ईजी फॉर अस टू पिक अप दैट कार नाउ, सेड द पुलिसमैन, इफ वी फाइंड इट वी शैल वॉन्ट यू टू कम डाउन टू द स्टेशन। पुलिस वालों ने कहा, अब उस कार को पकड़ना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा क्योंकि उसका नंबर हमें मिल चुका है और जैसे ही हमें वो कार मिलेगी तुम्हें पुलिस स्टेशन आना होगा गाड़ी की पहचान करने के लिए। द पुलिसमैन हरिड अवे एंड जॉन सीइंग बिली
across the street called, "Say, Billy, do you want to go down to the police station with me? I'm going to get a reward big enough for us to go to the cinema and see Tarzan." पुलिस वाले जो थे ये कहते हुए वहाँ से फटाफट निकलने लगे। तभी जॉन ने देखा बाहर सड़क के दूसरी पार गली के सामने उसका दोस्त बिली जो था वो घूम रहा था। तो इसने बिली से पूछा, "बिली, क्या तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पसंद करोगे? मुझे वहाँ इनाम मिलने वाला है और इनाम इतना बड़ा होगा कि हम दोनों टार्जन मूवी देख सकते हैं। इन द आफ्टरनून डैडी ड्रॉव अप एंड कॉल्ड फॉर देम। द बॉयज वर लिटिल अफ्रेड व्हेन दे एंटर द पुलिस स्टेशन। An inspector was sitting behind a desk. There were half a dozen officers in the uniform and at one side stood a few other men. दोपहर के समय, दोपहर को डैडी को फोन आया पुलिस स्टेशन से कि बच्चों को लेकर आइए। तो डैडी जो थे वो घर आए, उन्होंने बच्चों को लेकर वो पुलिस स्टेशन पहुंचे। अब जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे तो बच्चे जो थे वो काफ़ी घबराए हुए थे क्योंकि वो पहली बार पुलिस स्टेशन जा रहे थे। पुलिस स्टेशन के अंदर जब वो एंटर हुए थे, एक इंस्पेक्टर जो था वो डेस्क पे बैठा हुआ था पीछे की तरफ, और लगभग हाफ डजन यानी कि आधा दर्जन ऑफिसर वहाँ घूम रहे थे यूनिफॉर्म में, और कुछ लोग जो थे वो साइड में खड़े हुए थे। "विच वन ऑफ यू बॉयज इज द डिटेक्टिव?" आस्क्ड द इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर ने पूछा, "आप दोनों में से कौन जो है बच्चा वो डिटेक्टिव है, यानी कि जासूस कौन है आप दोनों में से?" "वी बोथ आर," आंसर्ड बिल। "दैट इज नॉट रियल वंस ऑफ कोर्स, बट प्ले वंस. John is number 30 and I am number 18, but it was John who followed the man yesterday." तो ये बात सुनकर जब इंस्पेक्टर ने पूछा कि तुम में से डिटेक्टिव बॉय कौन है, तो बिली ने आंसर दिया कि हम दोनों ही डिटेक्टिव हैं, लेकिन हम असली डिटेक्टिव नहीं हैं, हम सिर्फ खेल खेलने वाले डिटेक्टिव हैं। जॉन जो है उसका नंबर है डिटेक्टिव नंबर 30 और मेरा नंबर है 18, लेकिन जॉन जो है उसने कल उस मैन को, उस व्यक्ति को फॉलो किया था, मैंने नहीं किया था। "John," said the inspector, "look at those men and see if the man you followed yesterday is there." "Yes, he is," answered John. "It is that man with the big nose." "So that's the man you followed, is it? But you said the man who came out of the house had grey whiskers and a grey cap." तो इंस्पेक्टर ने जॉन से कहा, "जॉन, ये देखो, कुछ लोग वहां खड़े हुए थे और कहा कि इनमें से पहचानो कि क्या इनमें से कोई आदमी था जिसको कल तुम फॉलो कर रहे थे, जिसका तुम पीछा कर रहे थे?" जॉन ने तुरंत उत्तर दिया, "हाँ, ये वो आदमी है बड़ी नाक वाला जिसका मैं कल पीछा कर रहा था." "ओह, तो ये आदमी है जिसका तुम पीछा कर रहे थे, लेकिन तुमने तो कहा था कि जिस व्यक्ति का तुम पीछा कर रहे थे वो घर के अंदर गया और घर से कोई और आदमी बाहर निकला था, क्योंकि घर के अंदर से जो आदमी बाहर निकला था उसने तो ग्रे विस्कर्स और ग्रे कैप पहनी हुई थी." "यस, ही डिड, बट दे आर द सेम मैन," सेड जॉन। लेकिन जॉन ने कहा, "हाँ, वो व्यक्ति तो सेम ही था, जो घर के अंदर गया था वो भी और घर से बाहर आया था वो वही व्यक्ति बाहर आया था, बस उसने भेस बदला हुआ था। नाउ हाउ आर यू गोइंग टू प्रूव इट? दिस मैन सेज हिज कार वाज स्टोलन यस्टरडे एंड ही फाउंड इट लेटर." जॉन ग्रू सडनली शाय। "यू टेल देम, बिली." अब वो व्यक्ति एक्चुअल में जो घर के अंदर गया था वो अलग था और बाहर निकला था वो अलग था, तो ऐसे में जिस व्यक्ति को पहचाना गया वो कह रहा है कि उसकी कार तो चोरी हो गई थी कल, तो कहने का मतलब कि जो व्यक्ति अभी कार के साथ पकड़ा गया है वो चोर नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे प्रूव किया जाए कि वही व्यक्ति चोर है, क्योंकि वही घर के अंदर गया था और वही वहाँ से वापस आया? तो ये बात सुनकर जो बिली ने कहा कि यू टेल देम, तुम इनको बता दो, ऐसा बिली ने कहा। बिली पुल्ड हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट एंड शोड सम स्मॉल ब्लू सील्स। यू सी, इट्स दिस वे, we try to see how many people we can follow and the one who follows the most people wins. I have these blue seals and John has red ones. We try to stick it on these seals. We try to stick one of these seals on the man we follow. That's what John did yesterday when he went close to the man in the shop. The officer roared with laughter. बिली ने अपनी जेब से कुछ चीज़ें निकाली, उसके अंदर कुछ सील्स थी ब्लू और रेड कलर की, यानी कि वो दोनों बच्चे बिली और जॉन गेम खेलते थे। कैसा गेम खेलते थे कि कौन कितने लोगों का पीछा करता है रोज़, तो जिस भी व्यक्ति का वो पीछा करते थे उसके ऊपर वो रेड सील या ब्लू सील लगा देते थे, तो दोनों की सील्स अलग अलग थी। तो बिली ने कहा कि हम ये जो सील्स हैं जिस व्यक्ति का पीछा करते हैं उसके पीछे चिपका देते हैं उसकी पीठ पे या कहीं पे, और कल जॉन ने मेरे जाने के बाद जिसका पीछा किया था
वो यही व्यक्ति था, और जॉन जब इसके पीछे गया शॉप के अंदर तो इसने ये जो थी सील उससे चिपका दी। ये सुनकर ऑफिसर जो था वो जोर जोर से हंसने लगा। व्हाट हैपेंड देन आस्क्ड द इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर ने कहा फिर क्या हुआ। जॉन कंटिन्यूड द स्टोरी। जॉन ने स्टोरी सुनाई। आई थॉट इट वॉज अ डिफरेंट मैन टू कमिंग आउट ऑफ द फ्रंट डोर, बट वेन ही पास नियर मी आई सो द रेड सील ऑन हिज कोट दैट आई हैड स्टक। इट मे स्टिल बी देयर। द टू बॉयज रैन ओवर बिहाइंड द बिग नोज्ड मैन। यस देयर इट इज, क्राइड बिली, एंड द ऑफिसर्स वेंट अप एंड लुक्ड टू। अब वो बच्चों से पूछा गया कि फिर आगे क्या हुआ, आपने वो सील चिपकाई तो जॉन ने स्टोरी कंटिन्यू की और कहा कि जो व्यक्ति अंदर गया था, मैंने शॉप के अंदर उस व्यक्ति के कोट पे ये सील लगा दी थी, और जब वो व्यक्ति अंदर से बाहर आया तब भी उसके कोट पे वो सील लगी हुई थी। इसका मतलब ये वही व्यक्ति था जो अंदर गया था और बाहर निकला, ये सेम व्यक्ति था। तो दोनों बच्चे दौड़कर उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि शायद ये सील अभी भी इसके पास होगी। उन्होंने देखा तो अभी भी सील वहीं पे थी। उन्होंने कहा यस देयर इट इज, क्राइड बिली। बिली चिल्लाया हाँ वो यहीं पर है। द ऑफिसर वेंट अप एंड लुक टू। ऑफिसर भी गया और उसने भी देखा। द चिल्ड्रन सीम टू हैव कॉट यू, सेड द इंस्पेक्टर। नाउ टेल अस वेयर द थिंग्स आर। इंस्पेक्टर ने कहा कि बच्चों ने तुम्हें पकड़ लिया है, अब तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते हो, बताओ सामान कहाँ है, जो चीज़ें तुमने चुराई वो कहाँ है। यस दे हैव कॉट मी, सेड द बिग नोज मैन, बट यू पुलिसमैन वुड नेवर हैव कॉट मी विदाउट द चिल्ड्रन, दे हैव कॉट ब्रेन्स। लेकिन चोर ने कहा हाँ मैं पकड़ा जरूर गया हूँ, लेकिन ये सिर्फ बच्चों की वजह से पकड़ा गया हूँ। अगर तुम मुझे पकड़ना चाहते तो तुमसे तो मैं कभी भी नहीं पकड़ा जाता, क्योंकि बच्चों के पास बहुत ज़्यादा ब्रेन, यानी कि दे हैव गॉट ब्रेन्स, यानी कि बहुत बुद्धिमान है। वेल कम ऑन बॉयज, लेट्स गो, सेड डैडी। डैडी ने कहा चलो बच्चों हम चलते हैं। डू आई गेट द रिवॉर्ड डैडी, आस्क जॉन। जॉन ने कहा डैडी क्या मुझे रिवॉर्ड मिला। या यू विल श्योरली गेट इट, सेड अ ग्रे हेयर जेंटलमैन। ही टुक आउट $100 नोट एंड गेव इट टू जॉन। एक ग्रे हेयर वाला व्यक्ति वहाँ खड़ा था, उसने कहा हाँ हाँ जरूर तुमको इनाम मिलेगा। उसने अपनी जेब से $100 का एक नोट निकाला और जॉन को दे दिया। आई एम प्राउड ऑफ सच फाइन यंग नेबर्स, ही सेड शेकिंग हैंड्स विद द बॉयज। उस व्यक्ति ने बच्चों के साथ हाथ मिलाया और कहा कि मुझे गर्व है कि ऐसे बहादुर बच्चे मेरे पड़ोस में रहते हैं, यानी कि मैं ऐसे बहादुर बच्चों का पड़ोसी हूँ, इस बात का मुझे पूरा गर्व है। और ये कहते हुए उसने उनसे हाथ मिलाया। तो इस कहानी में हमने देखा कि किस प्रकार से जॉन और बिली नामक दो बच्चे, जिन्होंने खेल खेल में एक चोर को पकड़कर किस प्रकार से पुलिस के हवाले किया, और जो लूटा हुआ सामान था जो पड़ोसी का, वो भी उन्होंने वापस दिलवाया।